एयर डिफेंस यानी हवा में आने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको रोकना हो, उसको काउंटर करना हो, उसके लिए ये डिफेंस गन का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी यहाँ पर आप इसके रिपेयर को या फिर इसकी असेंबलिंग को देख रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें उस तरफ, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाएं कि ये डिफेंस गन्स को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, यानी असेंबल किया जा रहा है हमारी यहाँ की सुरक्षाओं के लिए। और एयर डिफेंस गन यानी ये वो गन्स होती हैं जो रिपेयर्स, इनकी रिपेयर किया जाता है और इनको यहाँ पर लिया जाता है। और 23 mm का है ये, और इसका जो रेंज होता है वो करीब करीब 3 से 5 किलोमीटर का होता है। और ये रेंज इसलिए क्योंकि अगर हवा में अगर आपका आपके अगर सर्विलेंस में कोई चीज़ ना आ पाए और आपके रडार पे कोई ड्रोन आ रहा है, ड्रोन के लिए बहुत कारगर है। यानी कोई ड्रोन अगर आपके आपके इंस्टॉलेशन के बहुत करीब है, 2 से 3 किलोमीटर, अगर आपको वो मॉनिटर कर रहा है तो उसको मार गिराने की इसमें क्षमता होती है। एयर डिफेंस गन्स का महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर डिफेंस गन्स हाल के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपको याद होगा कि कई कंट्री से हमने और डिफेंस गन्स को लेने की बात की है, लेकिन ये गन अगर आप देख रहे हो तो ये आपको समझ में आएगा कि इसकी रेंज, इसकी कैपेबिलिटीज़ कुछ इस तरीके, बहुत लंबे समय से भारतीय सेना जो है इसका इस्तेमाल कर रही है। इस बार LAC के बैटल ग्राउंड में सिर्फ एयर डिफेंस गन ही नहीं, उस गेम चेंजर को भी मोर्चे पर लगाया गया है जो किसी भी युद्ध में अपने बारूदी प्रहार से सनसनी मचा सकता है। हम इस समय फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे हैं और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं एक बुफोर्स स्टोव के पास खड़ा हूँ। दरअसल बुफोर्स की जो रेंज है करीबन 30 से 35 किलोमीटर के 155 mm की हेवी बुफोर्स स्टोव है, और काफ़ी लंबे समय से भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। करगिल में ये वही गेम चेंजर है जिसने पहाड़ियों से हमारे दुश्मन को नीचे आने को मजबूर किया और पहाड़ियों पर ऐसा सपाट किया कि वो कभी हमारी टेक्टिकल पोजीशन पे वो काबिज ही न रह पाए। आज हम इसी LAC के ऊपर मौजूद है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इस बुफोर्स स्टोव का जो एक कोई इसकी 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 मेंटेनेंस की जा रही है, और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर ये मेंटेनेंस की जा रही है ताकि इनका इस्तेमाल जो है वो इन लोकेशंस पर की जानी, यानी 15,000-20,000 की ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाई पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको याद हो कारगिल में भी इन्हीं तोपों के इस्तेमाल से हमने वो जंग जीती थी। यही वजह है कि ना सिर्फ हमारे टैंक्स बल्कि आर्टिलरी गन्स को भी इन इलाकों में तैनात किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन से युद्ध वाली तैयारी में सिर्फ सेना के जवान और हथियार शामिल हैं। अगर जंग काफी वक्त चली और मौसम ने करवट ली तो उस हालात को देखते हुए LAC के आखिरी पोस्ट पर फ्यूल डिपो भी तैयार किया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।